सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 6 सुनहरा मुर्गा काला बंदर और लाल अमृत का पेड़ की कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी एक ऐसे तीन मित्रों की कहानी है जो हमेशा साथ रहते थे और उनके इसी साथ रहने की वजह से उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। तीनों मित्र इतने अच्छे से रहते थे, इतनी योजनाबद्ध तरीके से रहते थे कि कोई उन्हें क्षति नहीं पहुँचा सकता था, कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। जब कभी कोई तीनों में से किसी एक को पकड़ने के लिए आता था तो कोई दो मित्र मिलकर उस तीसरे जिसको पकड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको परेशान कर देते। जैसे इस कहानी में लाल अमरूद का पेड़ है। इस लाल अमरूद के पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल अमरूद का लगा हुआ था जो अत्यंत ही स्वादिष्ट था खाने में। इस फल को खाने के लिए, तोड़ने के लिए छोटे छोटे स्कूल के बच्चे फल विक्रेता हमेशा आया करते थे ताकि वो अमरूद को तोड़ ले। लेकिन बंदर और मुर्गा दोनों उन लोगों को इतना परेशान करता था कि वो लोग भाग जाते थे। बंदर क्या करता था, उन लोगों के बीच अगर कोई अमरूद के लिए आता था, अमरूद को तोड़ने के लिए, लाल अमरूद को तोड़ने के लिए, तो बंदर क्या करता था, वहां अगर छोटे बच्चे और फल विक्रेता आते थे तो बंदर उन लोगों को परेशान करता था, जाकर कभी उनका कान पकड़ लेता था, कभी उनके बाल को खींच देता था और छोटे बच्चों का वो टिफिन खा जाता था और डर के मारे वो लोग वहां से भाग जाते थे। फिर कभी जैसे बंदर को पकड़ने के लिए चिड़ियाघर से लोग आते थे तो अमरूद का जो पेड़ है, लाल अमरूद का पेड़, वो अपने मित्र की सहायता के लिए क्या करता था ना कि दो चार पके हुए अमरूद को नीचे गिरा देता था, जिससे शिकारी का ध्यान अमरूद पर पड़ता था और वह ललचाई दृष्टि से उस अमरूद को उठाकर खाने की फिराक में रहता था। मतलब वो सोचता था कि उस अमरूद को हम खा लें। तो जैसे ही अमरूद को उठाकर खाने के लिए जाता है, वैसे ही काला बंदर क्या करता है, ऊपर से कुछ अधपके यानी कच्चे कच्चे अमरूद जो आधे पके होते थे या फिर कच्चे अमरूद होते थे, उससे वो निशाना बनाकर उस व्यक्ति पर मारता था और वो व्यक्ति ऐसा लगता था कि चलो भागो यहाँ से, जान बचाओ, तो वो भागने लगता था। इसी में पेड़ जो है वो एक दो पके अमरूद को टपका देता था। टपका देना मतलब गिरा देना। इस शब्द को पढ़कर आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो टपका देने का मतलब होता है बेटा कि फल को गिरा देना। अमरूद, दो चार पके अमरूद को वो गिरा देता था जिससे अगर व्यक्ति भागे तो वो वहीं पर धड़ाम से गिर जाता था। और उसके बाद जब सुनहरे मुर्गी को पकड़ने के लिए कोई आता था तो बंदर और वृक्ष क्या करते थे ना कि मुर्गी को वो अपने ऊंची टहनी पर छुपा लेता था। वृक्ष क्या करता था कि अपनी टहनियों से अमरूद को गिराकर उसका मन लुभाता था और बंदर जो है वो पके कच्चे कच्चे अमरूद से उस पर वार करता था। इसी प्रकार किसी तरह वो अच्छे से अपने जीवन जीते थे। लेकिन अचानक एक दिन वर्षा आई और इस स्थिति से कोई अवगत नहीं था, उन लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। और उस वृक्ष पर तीनों मित्र, उस वृक्ष के ऊपर अमरूद का पेड़ तो था ही, साथ में बंदर और मुर्गा जो था उसी वृक्ष पर छिप गए। तो वृक्ष ने सोचा कि देखो यह मेरा कैसा मित्र है, ये दोनों, मैंने हमेशा इसकी सहायता की है लेकिन ये लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो मेरे ही ऊपर, एक तो इतनी जोर से बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे ही ऊपर आकर ये बैठ गए हैं। इन लोगों को तनिक भी विचार नहीं होता है, तनिक भी दया नहीं आती है और वो उससे गुस्से भरी प्रवृत्ति में उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक इसी प्रकार मुर्गा भी पेड़ और बंदर के बारे में बोलने लगता है कि देखो ये दोनों मेरी मदद नहीं करते, और बंदर भी ठीक इसी प्रकार बोलने लगता है कि ये लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो फिर तीनों में क्या होता है ना, तीनों में अविश्वास, गलतफहमियां पैदा हो जाता है और इसका फायदा दूसरे लोगों को मिलता है। जब मांस विक्रेता सुनहरे मुर्गे को पकड़ने के लिए आता है तो कोई उसकी सहायता नहीं करता है और मांस विक्रेता मुर्गे को पकड़ कर लेकर चला जाता है। वैसे ही बंदर को पकड़ने के लिए चिड़ियाघर से लोग आते हैं तो बंदर क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरी टहनी पर उछल कर जाना चाहता है तो पेड़ क्या करता है, उसकी सहायता न करता है बल्कि टहनी को ऊपर कर लेता है, जिस वजह से बंदर नीचे गिर जाता है और मुर्गी और बंदर को पकड़कर लेकर चला जाता है। चिड़ियाघर के जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं और अंत में जब पेड़ बचता है, लाल अमरूद का पेड़,
तो वो सोचता है कि चलो अब इन लोगों को समझ में आएगा, जब हम मदद करते थे तो कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस हम ही मदद करें, मेरी मदद कोई नहीं करेगा, अब इन लोगों को पता चलेगा। अंत में लाल अमरूद का पेड़ बच गया। उस पेड़ पर सुंदर सुंदर तो फल तो लगे ही थे। सभी बच्चे, सभी व्यक्ति, जितने भी राहगीर थे वहां के आसपास के लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, सब मिलकर अमृत को तोड़ लेते हैं। और उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है कि क्यों ना इस पेड़ को हम लोग काट लें, जिससे हमारे घर की जलावन को सुविधा होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ को भी काट लेते हैं। और दूर खड़ी एक गिलहरी उन सभी दृश्य को देखती है और कहती है, देखो बड़े मित्र बने फिरते थे, क्या हाल हुआ, दोनों तो चले ही गए, मुर्गा भी चला गया, मांस विक्रेता के पास बंदर भी चला गया, और अंत में ये वृक्ष भी चला जाएगा, किसी की जाके किसी के घर में चूल्हा जलाएगा, किसी के घर के चूल्हे को जलाने में काम आएगा। तो बच्चों आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि मित्रता में कभी कोई दरार नहीं आनी चाहिए, हमेशा अपने मित्र पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।